हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपकमिंग इवेंट के बारे में जिसका नाम है डीसी फैंडम, और उसी के साथ बात करूंगा कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीसी फैंडम इवेंट को आप घर बैठे कैसे देख सकते हो। ये काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे सोशल मीडिया पर कि भाई हम इस इवेंट को घर पर बैठ के कैसे देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि डीसी फैंडम इवेंट को आप घर बैठे कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है कि डीसी फैंडम करीब 2 दिन तक चलेगा इंडिया में, एक तो 22 तारीख और 30 तारीख को। और 22 तारीख को 10:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होगा जिसमें कि हमें सारे अपडेट पता चलेंगे, जिसमें कि अपकमिंग ट्रेलर्स, टीजर, कौन सा पार्ट, न्यू मूवी अनाउंसमेंट और उसी के साथ काफी सारे अपडेट। बट आप इसे घर पर कैसे देख सकते हो, तो उसे बताने से पहले बात करते हैं कुछ एस्ट अपडेट के बारे में, और उसके बारे में बात करेंगे एंडिंग में। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है स्टार वॉर्स की तरफ से, तो काइलो रेन जो कि एक स्टार वॉर्स का कैरेक्टर है, इसके ऊपर एक टीवी सीरीज बन सकती है, ऐसे एक रूमर आ रहे हैं। पर जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा आपको बता दी जाएगा। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की अपकमिंग टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 और सीजन 5 से रिलेटेड अपडेट ये है कि इसके जो ओरिजिनल क्रिएटर है उन्होंने अपने हॉलीवुड रिपोर्ट के एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज रिवील्ड करी कि सीजन 4 कोई एंड नहीं है, आफ्टर सीजन 5 भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो हम काफी लकी हैं कि नेटफ्लिक्स की इस टीवी सीरीज का हमें सीजन 5 भी देखने को मिलेगा। और इसके जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं डब ब्रदर, उन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स की आपने अगर ये टीवी सीरीज नहीं देखी तो भाई कौन सी दुनिया में जाके देखो, नेटफ्लिक्स का सबसे बेहतरीन कंटेंट है और तीनों सीजन हिंदी में है, जाओ देखो मजे लो। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एक और मूवी किसिंग बूथ 3 कंफर्म हो चुकी है और मे बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी होगा अपडेट इसका रिलीजिंग डेट को लेकर मैं आपको बता दूंगा। स्टार वॉर्स क्लोबी नेक्स्ट मंथ से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और इस टीवी सीरीज का मैं काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर ये टीवी सीरीज अक्टूबर में भी रिलीज होगी। जो भी अपडेट होगा आपको बता दूंगा। वंडर वुमन की आज ऑफिशियली एक नई इमेज लॉन्च हुई है जिसमें कि हमारे वंडर वुमन के कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिटेलिंग लुक करा है। उसी के साथ बैटमैन का ऑफिशियली लोगो रिवील्ड कर दिया गया है और आपको फर्स्ट लुक ऑफिशियली डीसी फैंडम में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मार्वल के अपडेट के बारे में, तो ओलिविया एक डायरेक्टर है, उन्होंने अभी हाल ही में सोनी के साथ एक डील करी है एक नई सोनी यूनिवर्स मार्वल मूवी की। अब मे बी काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि वो स्पाइडर वूमेन मूवी हो सकती है। अगर ओलिविया इसे डायरेक्ट कर रही है तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि विलन्स के बाद हमें एक नई सुपर हीरो मूवी देखने को मिलेगी सोनी यूनिवर्स में। उसी के साथ बात करते हैं मार्वल दी एवेंजर्स गेम के बारे में, तो ये बीटा वर्जन तो लॉन्च हो चुकी है और देन अब ये पीसी में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट आ चुकी है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी पीसी की रिक्वायरमेंट देख सकते हो, आप इसे गेम अपने पीसी में भी खेल सकते हो। तो जाओ चेक करो लिंक में, सारी रिक्वायरमेंट मैंने डाल रखी है। उसी के साथ बात करते हैं स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड अपडेट के बारे में, तो अपडेट ये आ रहे हैं, रूमर्स ये आ रहे हैं कि सोनी का जो मार्वल की अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी है उसमें हमें 2 विलेन इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकते हैं, एक तो होता है स्कॉर्पियन और एक दूसरा हो सकता है केविन द हंटर। तो ये दोनों ही कमाल के कैरेक्टर हैं और देन दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर स्पाइडरमैन 3 में ये दोनों विलेन हमें एक साथ देखने को मिले तो गाइस रियली बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और जेसन मोमोआ का तो काफी ज्यादा नाम आ रहा है केविन द हंटर के लिए, तो आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ आपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा होगा जिसमें कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को बनाने के लिए एक पेजर का यूज करते हैं, तो जो पेजर होता है छोटा सा जो डिवाइस होता है उसके पीछे सॉर्ड लिखा होता है। सॉर्ड एक्चुअली में एक एलियन टेक्नोलॉजी कह सकते हो CID पुलिस है, एग्जाम्पल मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता है, CID पुलिस है जिसकी स्पेसशिप कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जिसमें कि न्यूक फ्यूरी रह रहा होता है, और देन न्यूक फ्यूरी का पूरा कनेक्शन है इससे। और आने वाले सीजन्स में जैसे वांडर विजन, फैल्कन द विंटर सोल्जर, लोकी, उसमें हमें सॉर्ड CID पुलिस देखने को मिलेगी। अब नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय। चलिए अब बात करते हैं डीसी फैंडम इवेंट के बारे में कि आप इसे घर पर कैसे देख सकते हो, क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे इसको लेकर। डीसी फैंडम में हमें कॉमिक के बारे में बताया जाएगा, टीवी सीरीज के बारे में बताया जाएगा, मूवीज यूनिवर्स के बारे में बताया जाएगा। तो सिंपल ये है कि नीचे लिंक्स दे रखे हैं मैंने 2, ठीक है, 2 लिंक है जिसमें कि पहला लिंक है जिसमें कि आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, आप इसे फिल कर लेना और जब 22 तारीख को आपके पास हाईलाइट नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप इजीली इस इवेंट को देख सकते हो। दूसरा लिंक है, जब मैंने लॉगिन करा था इस पर तो 23 घंटे थे डीसी फैंडम स्टार्ट होने में, ठीक है, आप इस पे जाके फ्री में पूरा इवेंट देख सकते हो। तो स्पेशली वेबसाइट इसके लिए बनाई है, ठीक है, जाओ चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, सिंपल सा देखने का तरीका। उसी के साथ
अब बात करते हैं डीसी फैंडम में हमें कुछ नए अपडेट पता चले। तो जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि आपको सुसाइड स्क्वाड की नई फुटेज देखने को मिलेगी। मैं सोच रहा था इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूं पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। उसी के साथ अगला अपडेट है ग्रीन लैंटर की न्यू मूवी अनाउंसमेंट होगी, 100% कंफर्म है। ये पहले भी कंफर्म हो चुका था, मैंने सोचा दोबारा से रिवाइंड करवा दूं। उसी के साथ मैट जो कि बैटमैन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया आपको फर्स्ट फुटेज डीसी फैंडम में देखने को मिलेगी और छोटा सा तो टीजर दिखाई देंगे। उसी के साथ जस्टिस लीग की एक और नई इमेज हमारे सामने आई है जो कि रे फिशर की है, जिसमें कि वो रग्बी खेल रहे हैं और देन काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो या तो उस पर बंडू वुमेन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।